कल रात में सुबह सुबह जो सुलेमान नगर डिवीज़न के सुलेमान नगर में इकबाल फंक्शन हॉल के अंदर एक कूलरों का गोदाम था, उसमें आग लगने की वजह से जैसा इत्तला मिली उनके ही हमारे एरिया के सदर सीनियर तायर भाई साहब यहाँ मौके के ऊपर आए और मैं भी सदर मुहतरम की हिदायत के ऊपर तो फायर स्टेशन के आला अहदेदारों से बात किया हूँ, पुलिस के अहदेदारों से बात करके रात में आग को काबू में लाए और आजू बाजू के घरों में भी ये आग की जब में ये घर भी आए थे वो घरों को भी बुझाया गया, घरों के टीना भी टूट गए ये आग की वजह से। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीबे मिल्लत अलहाज बरश असदुद्दीन वैसी साहब की हिदायत के ऊपर बर वक्त हमारे ताहिर भाई यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होता था वो हादसे से बचाने लगाए, जो कि अंदर यहाँ पे काम करने वाले तकरीबन 8-10 वर्कर भी सो रहे थे, ये गेट के ऊपर से कूद के आके वो लोग को भी बाहर निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और थोड़ा बहुत माली नुकसान हुआ और घरों को नुकसान हुआ यहाँ के। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले भी यहाँ पर एक ऊपर पल्ली पे कूलर के गोदाम में आग लगी थी, उसमें 6 लोग की जान चली गई थी, अंदर जल गए थे, मगर वैसा वाकया यहाँ पर नहीं हुआ। और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये गोदाम के ज़िम्मेदार हैं वो लोग भी आप लोग लापरवाही मत करिए, नहीं तो लोगों की जाना चले आते थे। बर वक्त हमारे ताहिर भाई का घर बाजू से आकर यहाँ पर ये लोग की मदद किए। मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये गोदाम के ज़िम्मेदार हैं वो लोग ये सलम एरिए में ऐसा गोदाम रखने से कभी भी ये हादसे हो सकते हैं। आप लोग रूरल एरिया में कहीं भी आपका गोदाम मुंतकिल करें तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं तो आजू बाजू के घरों में भी आग लगते लगते बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ पर ताहिर भाई खुद ठहर के जो फायर स्टेशन के लोगों के साथ और बस्सी वालों की मदद से वो आग को काबू में लाए। मैं इस मौके के ऊपर तमाम आपके चैनल वालों से भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सलम एरिया में गोदामात है इसके तरफ से कई नुकसान हो रहे, आए दिन हादसे होते जा रहे हैं, तो ये लोग का भी ये जो इसके जो ज़िम्मेदार है वो लोग की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बराबर यहाँ पर रात में बड़ा हादसा होते होते बचाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये फायर स्टेशन और हमारे विजय के सदर ताहिर भाई लोग आके आपको खबर मिला। दो तीन मारे नको मार 50-60 दिन फिर के रात में पूरा करके पूरे फायर इंजन मंगा के ये बचाए, नहीं तो ये भी लग जाता था। मैं भी था मेरे भाई लोग सब लोग थे, हमें चार पांच भाई लोग कुछ भी नहीं टायर में हमारे यहाँ के जिम्मेदार है, उनके साथ बैठ के उन्होंने क्या क्या करना है नहीं मैं उनको बोल दिया, उनको नहीं इन्हों शाम में बिठाते जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इन्हों जिम्मेदार है, इन्हों रहेंगे बात करके करेंगे। 3 बजे रात को ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी बच्चे
आपको आ रही है अभी भी आ रही है आप तब तो ठहर नहीं सकते थे ऐसा ऐसा मार रही थी आपको हेलो अंदर नहीं खुलाना ना मर गए तो कौन जिम्मेदार सात आठ दिन के टायर वही लपट के करके फायरिंग जाना बना के करके पूरा करे मैं आया कि नहीं ऐसा हो मैं तो ऐसा नहीं कि मैं अब ये घर वालों को डैमेज होगा तुम देना वो हम देंगे साहब ऐसा